नमस्कार दोस्तों, वेरीफाइड के YouTube चैनल पर मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे 3 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन होंगे? तो इस समिति के प्रमुख होंगे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और रणवीर सिंह अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में समुद्री मछली उत्पादन 2019 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 2.1% की, 2.1% की। और तमिलनाडु सबसे सारे स्टेट में सबसे टॉप पे है फिश प्रोडक्शन पे। और CMFRI का हेडक्वार्टर है कोची केरला में, ये भी हमें याद रखने हैं। हाई एंड उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकल मंच प्रदान करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस बोर्ड ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एक्सिलरेट विज्ञान। एक्सिलरेट विज्ञान और सर्व की फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और सर्व काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये भी हमें याद रखना है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पहले हमें ये याद रखना है कि ये योजना नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना में का अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान लगाया है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने। और ये अनुमान कितना लगाया है कि कितने खर्चे हों, कितना खर्च किया जाएगा इस योजना पर, अनुमान है। तो ये खर्च का अनुमान है 1,48,935 करोड़, 1,48,935 करोड़। और हमारे खाद्यान्न मंत्री हैं रामविलास पासवान। निम्नलिखित में से कौन एनबीएफसी, एचएस और एचएफसी की आपातकालीन तरलता स्थिति में सुधार के लिए एक विशेष तरलता योजना के रूप में एक विशेष उद्देश्य वाहन SPV की स्थिति को स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड और RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस बैंक ने म्यूचुअल फंड्स को इंस्टा लोन देने के लिए कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, ये लॉन्च किया है ICICI बैंक में, बैंक ने। और ये लोन किस तरह के हैं? तो डेप्ट स्कीम में लोन दिया जाएगा 1 करोड़ तक, डेप्ट स्कीम में 1 करोड़ तक। और डेब्ट एंड इक्विटी में मिनिमम लोन कितना है, कम से कम लोन कितना मिलेगा? कम से कम लोन मिलेगा 50,000 रुपये का। और इक्विटी स्कीम में मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा? 20 लाख रुपये का, 20 लाख रुपये का। ये भी हमें याद रखना है। ICICI बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, एमडी एंड सीईओ संदीपक सिंह, और हेडक्वार्टर है मुंबई। निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 स्कॉच पुरस्कार जीते हैं? तो ये कहाँ के जिला प्रशासन है? ये है मून डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रशासन ने जीता है। और मून डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? यह है नागालैंड में, यह है यहाँ पे, और नागालैंड के
अपर नॉर्थ कॉर्नर में मून डिस्ट्रिक्ट। और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि मून डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच अवार्ड दिया गया है, तो मून डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आता है? तो ये है इसका आंसर होगा नागालैंड। इस तरह से भी हमें याद रखना है। और कौन से अवार्ड मिले हैं इसको? तीन अवार्ड। पहला है स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड, दूसरा है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, और तीसरा है स्कॉच ऑनरेबल मेंशन। ये तीन अवार्ड मिले हैं। और स्कॉच अवार्ड उसे दिया जाता है जो बेस्ट एफर्ट देते हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन में। निम्नलिखित में से कौन न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया? 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट कौन है न्यूयॉर्क के अनुसार? तो यह है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। मींस इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। और इसमें यह भी याद रखना है, सिद्धार्थ मुखर्जी को पुलिट्जर प्राइज भी मिला है 2011 में उनके किताब के लिए। उनकी किताब का नाम है द एम्पायर ऑफ ऑल मेलेडाइज। ये एक बायोग्राफी है कैंसर के ऊपर, ये भी हमें याद रखना है। और सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को इंडिया में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। आईसीसी के इंटरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इन्हें किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है पहले शशांक मनोहर, ये रिटायर कर चुके हैं, और अब बने हैं इमरान ख्वाजा। और आईसीसी के सीईओ कौन है ये मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा वैज्ञानिक समूह के लिए 2021 में भारत के खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा ली। मींस इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ। इन दोनों को भारत के खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए नामित किया गया है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंद्रामणि पांडे को। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन कंपनी क्लाइव समूह ने किस भारतीय कंपनी में 25% की हिस्सेदारी खरीदी है? ये डील हुई है 1.2 बिलियन की, और ये हुई इन्होंने खरीदा है नक्षत्र डाटा लिमिटेड को। ये कंपनी है एयरटेल की एक डाटा सेंटर कंपनी है नक्षत्र डाटा लिमिटेड। इडा ने 9 सदस्य पैनल एक गठन किया है जो भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित बॉन्ड जारी करने की उपयुक्तता का अध्ययन करेगा। इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसके हेड होंगे जी श्रीनिवास। इरडा के चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुटिया। कर्णम शेखर किस बैंक के एमडी और सीईओ थे? ये अब रिटायर कर चुके हैं। इस बैंक की आप टैगलाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुड पीपल टू ग्रो विथ। ये टैगलाइन है इंडियन ओवरसीज बैंक की। मीन इसका आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। निम्नलिखित में से किसने
दो Mi-17 हेलीकॉप्टर पर स्वदेशी एयरबॉर्न टिड्डी के नियंत्रण प्रणाली विकसित की है। ये स्वदेशी देश, ये अपने ही देश में बनाया गया है और ये किन दोनों ने मिलकर बनाया है, तो ये बनाया है इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। और अभी Bell 206 B3 हेलीकॉप्टर को भी इस काम में लगाया गया था, जो ये काम किया गया था राजस्थान स्टेट में। तो ये याद रखना है कि Bell 206 B3 हेलीकॉप्टर को राजस्थान में काम में लगाया गया था टिड्डियों के नियंत्रण के लिए। और इंडियन एयरफोर्स का मोटो है ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। चीफ इसके चीफ है RKS भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया। कौन सा अंतरिक्ष संगठन दूसरी बार भारत के प्रमुख शुक्र ग्रह मिशन शुक्रयान 1 के माध्यम से शुक्र ग्रह का पता लगाएगा? तो ये पता लगाएगा स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। और शुक्रयान कब लॉन्च होगा हमारे देश में? शुक्रयान 1 का शेड्यूल डेट है 2023 ईयर में। और रॉस्कोमोस है रशिया की स्पेस एजेंसी। एवर्टन वीक का निधन हो गया है, ये किस फील्ड से संबंधित है? तो ये क्या, ये खेलते थे क्रिकेट और ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, हम लोग मनाते हैं 2 जुलाई को। और वर्ल्ड एलर्जी वीक मना सप्ताह मनाते हैं 28 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक। और इसका थीम था इस बार, ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये थीम इंपॉर्टेंट है, एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विथ COVID-19। उड़ीसा सरकार ने व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एक पहल लागू की है, इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है साबुज उड़ीसा। साबुज उड़ीसा, साबुज का मतलब उड़िया लैंग्वेज में होता है यूथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज ही मैं 4 जुलाई का भी अपलोड कर दूंगा। इस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।